ओके सर, नेक्स्ट हम जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम उसी अपने पुराने इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस सपोर्ट टोबैको चीविंग? अब यहाँ हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग को यूज़ करके। तो आपने ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बार देखा होगा, बोलो जुबान के सरिया। तो यहाँ पर आपको क्या कौन दिख रहा है? शाहरुख खान दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना। और शाहरुख खान के जो क्या कर रहा है वो, ये टोबैको क्या होता है वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। और शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, आपको पता ही है। अब शाहरुख खान ये एडवर्टाइज़ कर रहा है तो भोली भाली जो हमारी जनता है जो शाहरुख खान को पसंद करती है, क्योंकि शाहरुख खान इस एड में दिखाई दे रहा है, तो जो इंडियन जनता है जो शाहरुख खान को फॉलो करती है वो भी इसे खाएंगे। तो इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में क्या आया कि क्यों ना मैं शाहरुख खान के जो इंडियन फैंस हैं उन्हें सैंपल बना दूँ। तो ये थॉट, ये ख्याल जो है शाहरुख खान के फैंस को सैंपल बनाने का, ये जजमेंट बनाया है इन्वेस्टिगेटर ने। तो इस सैम्पलिंग टेक्निक में कोई रैंडमाइजेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटर का जो जजमेंट है कि शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो बहुत ही अच्छे सैंपल बनेंगे, तो जब भी शाहरुख खान की कोई मूवी रिलीज़ होगी तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, सिनेमा थिएटर के बाहर खड़ा हो जाएगा और जो भी शाहरुख खान के जो फैंस मिलेंगे उसे ये क्वेश्चन करेगा। इट इज़ दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो जजमेंटल सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस से जज करता है सैम्पल को, और ये इन्वेस्टिगेटर की अपनी ओपिनियन में पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। सेलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर, इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस। तो सैम्पल सेलेक्शन इन्वेस्टिगेटर की चॉइस होती है, ये बाय चांस नहीं होती। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देखते हैं। यहाँ पर जो सैम्पल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी जानकारी पर उन्हें सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो भी शाहरुख खान के जो फैंस होंगे वही हमारे सैम्पल होनी चाहिए। ये टेक्निक सिग्निफिकेंट वैल्यू को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। इस टेक्निक से ग्रुप डेटा को मैच करना आसान होता है। सैंपल के जो लोग हैं वो एक तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल में जो सैंपल है वो कौन है, वो सभी के सभी शाहरुख खान के फैंस हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इस टेक्निक से हमारे इन्वेस्टिगेटर को, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रिलेट करना एक बहुत ही बड़ा सवाल है। मतलब क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि जो भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं मतलब वो तंबाकू खाने वाले हैं, क्या ये रिलेशन सही है? यहाँ पर पॉपुलेशन की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इस टेक्निक में सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने में बहुत एरर होने के चांसेस है, जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है कि हम बोल रहे हैं कि शाहरुख खान के फैंस हैं मतलब वो ज़्यादा चांसेस हैं कि टोबैको खाएं, पर बहुत से शाहरुख खान को नफरत करने वाले, उसको पसंद नहीं करने वाले भी लोग हैं जो टोबैको खाते हैं। तो लेकिन क्योंकि वो शाहरुख खान को पसंद नहीं करते पर वो खाते हैं टोबैको, लेकिन हम उन्हें हमारे सैंपल में इंक्लूड नहीं करते। जजमेंटल सैम्पलिंग से जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मिलेंगे उसे हम पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो जजमेंटल सैम्पलिंग के ऊपर।